So you're not from around here? It's hard to explain. कि डीसी के सुपर हीरो का नाम पहले कैप्टन मार्वल था। आखिर एवेंजर्स टीम को छोड़कर कैरोल ने किस टीम के साथ रहने का फैसला किया था? तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करेंगे मार्वल की वन ऑफ द माइटीएस्ट सुपर हीरो कैप्टन मार्वल के बारे में, जिनकी ब्लॉकबस्टर मूवी का सीक्वल कैप्टन मार्वल 2 जल्द ही आने वाला है। दोस्तों बता दूं कि कैप्टन मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत ही ज्यादा फेमस कैरेक्टर है और कहीं ना कहीं मार्वल यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो भी। वहीं एमसीयू के टफ कॉम्पिटिटर डीसीईयू की बात करेंगे तो डीसी में सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है शाज़म। कॉमिक्स में शाज़म का नाम भी पहले कैप्टन मार्वल ही था। उस समय कैप्टन मार्वल नाम काफी कंट्रोवर्शियल था और फैक्टबेट कॉमिक्स नाम की कंपनी ने इस कैरेक्टर को बनाया था, लेकिन 1953 में इस कॉमिक के खत्म होने के बाद मार्वल ने कैप्टन मार्वल नाम के सभी राइट्स ले लिए और वहीं डीसी ने भी कैप्टन मार्वल नाम को ड्रॉप करने के बाद अपने सुपर हीरो को नाम दिया शाज़म। तो दोस्तों बता दूं कि कैप्टन मार्वल कॉमिक्स में एक्समैन टीम की तरफ से भी लड़ाई लड़ चुकी है। कैप्टन मार्वल मार्कस की सभी टेक्नोलॉजीज को मास्टर करने के बाद वापस अर्थ लौट आई और यहाँ एक नई जिंदगी शुरू की और एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रिलैक्सिंग लाइफ जीना शुरू कर दिया। मगर दोस्तों ये ज्यादा लंबे समय तक शांत नहीं रही। कैप्टन मार्वल के एक बड़े दुश्मन रैवेना का मिस्टिक को जब ये बात पता चली कि कैरोल अर्थ पे है तो वो अपनी बेटी रॉक को लेकर कैरोल को मारने चला गया। दोस्तों बता दूं कि रॉक ने कैरोल से उसकी पावर्स को ले लिया और उसकी सभी मेमोरीज को भी इरेज कर दिया था, क्योंकि रॉक किसी की भी पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकती थी। लेकिन दोस्तों सही समय पर स्पाइडर वुमेन ने आकर कैरोल को बचाया और घायल कैरोल को प्रोफेसर एक्स के पास लेकर गई, जिन्होंने कैरोल की मैक्सिमम लॉस मेमोरी रिस्टोर कर दी, लेकिन उसकी पावर्स को वापस नहीं ला पाए थे वो। दोस्तों बता दूं कि कैप्टन मार्वल ने एवेंजर्स टीम को छोड़ दिया था, लेकिन वो एक्समैन के साथ रहने में कंफर्टेबल थी और उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हीं के साथ रहेगी। अब दोस्तों चाहे कैरोल उस टीम में एक बिना सुपर पावर्स की टीममेट थी, लेकिन फिर भी वो टीम की काफी मदद करती थी अपनी एयरफोर्स स्किल्स से और अपने फाइटिंग एक्सपीरियंसेस से। कैरोल ने एक्समैन के साथ मिलकर काफी अलग अलग मिशंस को अंजाम दिया है। दोस्तों बता दूं कि कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल को लेकर काफी ज्यादा मल्टीपल थ्योरीज दिखाई गई हैं और ये देखने में काफी मजा आने वाला है कि आखिर किस तरह मार्वल कैरोल के कैरेक्टर को कैप्टन मार्वल 2 में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आपके कैप्टन मार्वल के बारे में और इस मूवी के बारे में क्या विचार है हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनने का कुछ अनसुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज को।